फिर से आ गया हूँ आप लोगों को एक बड़ी बात बताने के लिए और इस बार ये जो बड़ी बात है आपका फीफा फूज में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फेसबुक ट्विटर इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं मैं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों इस बिग uh, बॉस के एक्स कंटेंडर और साथ ही साथ बिग बॉस के घर में तबाही मचाने वाले एक नंबर मानुस की यानी कि एजाज खान की नॉट इजाज़ हाँ एजाज खान की यानी कि वो कहते हैं ना एक नंबर एक नंबर आपको बता दूँ तो मुंबई में जो ड्रग केस हुआ था उसको लेकर एजाज खान को गिरफ्तार किया गया एन के द्वारा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा और वो जो हैं गिरफ्तारी में थे अब ऐसे में उनका कोरोना टेस्ट कराया गया और कोरोना पॉजिटिव निकले हैं इजाज खान जी हां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इजाज खान को हो गया है कोरोना और इजाज खान को क्वारंटाइन किया जाएगा आपको बता दूं ना सिर्फ इजाज खान नॉट इजाजा भी प्लीज बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि इजाज एज, एज, भाई को हुआ है जो हमारे हैं बिग बॉस के आ, उनको इजाज खान को नहीं हुआ है इजाज खान को कोरोना हुआ है और अब उनकी उनको तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और साथ कर दिया होगा जब तक मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको और साथ ही साथ अधिकारियों को भी जो अधिकारी उनके साथ यू नो इंटेरोगेशन के दौरान या बातचीत के दौरान या उनके संपर्क में आए हैं उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा होप सो वो पॉजिटिव ना निकले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो एजाज़ खान को मुंबई पुलिस ने आ, भी काफ़ी पहले गिरफ़्तार किया था कुछ चीज़ों को लेकर और ये पहली बार नहीं है ड्रग्स को लेकर ये पहली बार गिरफ्तार नहीं हुई इससे पहले भी वो हुए हैं आई गेस बिग बॉस सीजन तेरह से पहले पहले वो हुए थे उनको पनवेल साइड कहीं ड्रग डील के लिए गिरफ़्तार कर दिया गया था और बहुत सारे उनके ऊपर आरोप है हम सबको पता है और अब बारी आई है फिर से उनकी गिरफ्तारी की आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं चलता हूं मैं अपना ख्याल रखें आप